वो तो 75 की बात है, मैं 2005 में बिहार में क्या हुआ वो आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। 2005 में यूपीए की सरकार थी, फरवरी में वहां चुनाव हुआ, फरवरी में जब वहां चुनाव हुआ तो वह हंग असेंबली हुआ और एक दो महीने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में समर्थन बहुत लोगों का मिल गया और अगले दिन वो सरकार फॉर्म करने जाने वाले थे। उस समय गवर्नर थे बूटा सिंह बिहार में, रात में कैबिनेट होता है, देर रात कैबिनेट होता है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उस समय के राष्ट्रपति थे मॉस्को में, फैक्स से कागज भेजा जाता है, मॉस्को में फैक्स से कागज भेज करके साइन करा करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये इनका संविधान के प्रति प्रेम है। और मैं दो बात कोट करना चाहता हूं आपके बीच में, उस समय का, तब एक उनके लॉ मिनिस्टर थे हंसराज भारद्वाज जी, उन्होंने कहा और रिकॉर्ड में बता रहा हूं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एचआर भारद्वाज ऑन थर्सडे रिवील दैट ही वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट टू गेट अ फेवरेबल ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट व्हिच वाज एग्जामिनिंग द यूपीए गवर्नमेंट डिसीजन टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन बिहार इन 2005 टू प्रिवेंट द जेडीयू बीजेपी कंबाइंड फ्रॉम कमिंग टू पावर। भारद्वाज सेड he had even met the chief justice yk sabrawal who headed the constitution bench which dealt with the case to get a favorable judgment but could not summon the news to broach the topic. The five judge bench has held that imposition of president rule was a misuse of article 356 and was clearly politically motivated based on a report by the governor Bhuta Singh. The former law minister said जस्टिस सबरवाल वॉज अ फैमिली फ्रेंड बट वॉज अ वेरी टफ जज, आई कुड नॉट मस्टर द करेज टू आस्क फॉर एनी फेवर ऑन द इशू फ्रॉम सबरवाल व्हेन वी मेट ओवर ए कप ऑफ कॉफी ही सेड एट अ फंक्शन टू इनॉग्रेट द मूट कोर्ट हॉल ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली नेम्ड आफ्टर लेट जस्टिस सबरवाल फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली हु हैड अटैक्ड द यूपीए फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल ऑफ इन बिहार फ्रॉम बिहार वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। ये उन्होंने हंसराज भारद्वाज जी का है। उस समय के राष्ट्रपति ने अपने मेमोयर जो उनका किताब आया है टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू द चैलेंजेज एपीजे अब्दुल कलाम एज सुड एज द वर्डिक्ट वॉज नोन, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ, एज सुड एज द वर्डिक्ट वॉज नोन आई रोट ए लेटर टू of resignation, signed it and kept it ready to be sent to the Vice President Bhairav Singh Shekhawat, who was a seasoned politician and a lawyer. The Vice President was away. Meanwhile, the PM wanted to see me for some other discussion. We met in my office in the afternoon. After finishing the discussion, I said that I have decided to resign from the post of President and showed him the letter. The Prime Minister was disturbed. The scene was touching and I do not want to describe it. The Prime Minister pleaded, वो मनमोहन सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं, that I should not do it at this difficult time. He said that a result of this, the furor that would be created, even the government might fall. और उस वजह से मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अब ये जो संविधान लेके घूम रहे हैं, ये मैं बिहार की घटना बता रहा हूँ कि कैसे उनके जो लॉ मिनिस्टर थे वो बोल रहा है कि उनको प्रेशर दिया गया कि जजमेंट अपने फेवर में लेकर आइए, कैसे रात में जा कर के कलाम साहब से साइन करा के इम्पोज किया गया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट दिया। ये मैं आपके जानकारी इसलिए दे रहा हूं, और कहां से चलता था सरकार, मेडन स्पीच है, सरकार कहां से चलता था, एनएसी बना हुआ था, सारा सुपर पीएम का पावर लेके बैठी हुई थी, सारा डायरेक्शन वहां से होता था, वही इम्पोज करवाई और आज ये लोग संविधान की बात करते हैं। एक विषय मैं और टच करना चाहता हूं, मैं देखता हूं आजकल जो प्रतिपक्ष के नेता है उस हाउस में वो हमेशा जातीय जनगणना की बात करते हैं। बिहार
पहला स्टेट है जो जातीय जनगणना पर अपना काम कर चुका है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और जातीय गणना का फाइंडिंग आ गया, उस पर जो आरक्षण जो बढ़ाना था वो काम कर लिया गया। अभी हाईकोर्ट में रोक लग गया है तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है।